किशोर कुमार के कॉलेज और दोस्ती से जुड़े किस्से जो आपको नहीं पता होंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में रहने वाले बंगाली परिवार में जन्म लेने वाले किशोर कुमार सिर्फ एक शानदार इंसान और गायक ही नहीं थे, बल्कि दोस्ती निभाने में भी उनका कोई सानी नहीं था। किशोर कुमार ने अपने कॉलेज की पढ़ाई इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में की थी। किशोर कुमार कॉलेज में आने के बाद भी अपनी शरारतों और दोस्तों में ही लगे रहते थे। नतीजन गायकी में सबको पीछे छोड़ देने वाले किशोर को कॉलेज में 2 साल बैक लगी थी। उसके बाद तीसरी कोशिश में उन्होंने अपने एग्जाम क्लियर किए थे। दोस्ती के मामले में किशोर का जवाब नहीं था, वो तो अपने दोस्तों के लिए बड़े से बड़े रिस्क तक ले लिया करते थे। एक बार कॉलेज फंक्शन में किशोर ने अपने एक दोस्त के लिए स्टेज के पीछे से गाना गाया था और उनका दोस्त स्टेज पर सबके सामने सिर्फ लिप सिंक कर रहा था। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि फेमस सिंगर बनने के बाद कई स्टेज शो करने वाले किशोर को स्टेज फियर था, इसलिए वो कॉलेज में दोस्तों के लिए स्टेज के पीछे से ही गाना गाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि किशोर का यह लिप सिंक का आइडिया ही पड़ोसन फिल्म के उस सीन में एक्ट किया गया जिसमें किशोर फिल्म की हीरोइन सायरा बानो को प्रभावित करने और सुनील दत्त की मदद के लिए गाना गाते हैं और सुनील बस गाने पर लिप सिंक करते रहते हैं। वैसे कॉलेज से जुड़ा एक और किस्सा है जो किशोर ने इंडस्ट्री में आने के बाद अपने एक गाने से जोड़ा था। क्रिश्चियन कॉलेज में एक इमली के पेड़ के नीचे किशोर आराम से अपने दोस्त के सर की चंपी किया करते थे। चंपी के दौरान कुछ बोलने पर जिस तरह से शब्द सुनाई देते हैं उसी को याद करते हुए किशोर ने अपने भाव फिल्म झुमरू के टाइटल सॉन्ग में डाले थे। जब मोहम्मद रफी को करना पड़ा था किशोर का बचाव, यूं तो किशोर कुमार और मोहम्मद रफी दोनों ही गायकी के सम्राट थे, लेकिन उनके बीच किसी भी तरह का कोई मन मुटाव या स्पर्धा नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती के चर्चे हर किसी की जुबान पर हुआ करते थे। एक बार संजय गांधी किशोर कुमार से बेहद नाराज हो गए थे। उन्हें मनाने और किशोर कुमार को संजय गांधी के गुस्से से बचाने के लिए खुद मोहम्मद रफी ने खास तौर से संजय गांधी से मुलाकात की थी। 1 जुलाई 1980 को जब रफी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, मौत के बाद किशोर कुमार रफी के पैरों के पास ही बैठकर घंटों तक बच्चों की तरह रोते रहे।